रेड बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ भंडारे में मिलने वाली आलू की सब्जी। तो इस रेसिपी को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा और ये बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर बॉइल्ड पोटैटोज ले लिए हैं, यानी आलू को मैंने उबाल लिया है 4 सीटी लगाकर। और इसके बाद हम इन्हें अब फोड़ लेंगे। इसके लिए मैंने फोक यूज़ करी है, आप चाहें तो हाथ का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ पीसेस बड़े रखने हैं और कुछ अच्छे से मैश कर लेने हैं, कुछ इस तरीके से। अब हम इन्हें साइड रख लेते हैं। अब यहाँ पर एक प्लेट में मैंने कुछ सूखे मसाले ले लिए हैं, जिसमें है जीरा, दालचीनी, तेज पत्ता, थोड़ी सी सौंफ, 2 सूखी लाल मिर्च, थोड़ा सा सूखा धनिया, हींग, साथ ही यहाँ पर मैंने 2 टमाटर भी ले लिए हैं। टमाटर को आप छोटा छोटा काट सकते हैं या फिर आप कद्दूकस भी कर सकते हैं। अब एक कढ़ाई ले लेंगे, कढ़ाई को पहले गर्म होने देंगे और इसमें अब हम तेल डाल लेंगे। मैंने यहाँ पर सरसों का तेल यूज़ किया है, आप चाहे तो इसे रिफाइंड में भी बना सकते हैं। तो थोड़ी देर हम तेल को गर्म होने देते हैं। तेल गर्म हो जाने पर ये सारे सूखे मसाले हम इसमें डालकर इन्हें हल्का हल्का भून लेंगे, ताकि इनका जो फ्लेवर है वो तेल में बहुत अच्छे से चला जाए। साथ ही इसमें मैंने डाल दी है 1 पिंच हींग, थोड़ा सा कसा हुआ अदरक और इन्हें हम अच्छे से मिला लेंगे। जब जीरा चटकने लग जाए तो इसमें हम डालेंगे टमाटर। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम टमाटर को थोड़ी देर ऐसे ही पकने देंगे और इसके बाद हम इसमें डालेंगे मसाले। तो यहाँ पर मैंने डाला है 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच नमक या फिर स्वाद अनुसार, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब इन सारों मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम मसालों को पकने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे और इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए ढक लेंगे। एक से दो मिनट हो जाने के बाद हम ढक्कन हटा लेंगे और जैसे आप देख सकते हैं कि मसालों ने अच्छे से तेल को छोड़ दिया है, तो हम इन्हें एक बार अच्छे से और मिला लेंगे। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच कसूरी मेथी, इससे इसका स्वाद और बढ़ जाएगा। तो इन्हें भी हम अच्छे से मिला लेते हैं। तो मसाला हमारा बनकर रेडी है। अब इसमें जो आलू हमने फोड़े थे उन्हें हम डाल देंगे। चलिए अब इन सारे मसालों को हम अच्छे से आलू में मिक्स कर लेते हैं। ये अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल लेंगे, फिर से एक बार इसे चला लेंगे। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आपको जितनी रखनी हो उतना पानी आप इसमें डाल सकते हैं। अगर आप ज़्यादा पानी डालेंगे तो आपको नमक की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। मैंने यहाँ पर 1/2 ग्लास से थोड़ा ज़्यादा पानी यूज़ किया है। तो अब हम इसे ढककर 5 मिनट के लिए पकने देंगे। बीच बीच में आप इसे 1 या 2 बार ज़रूर चला लें।
सब्जी हमारी बनकर रेडी है। ऊपर से हम थोड़ा सा गरम मसाला मिला लेंगे, 1/4 चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और इसे मिला लेंगे। तो देख सकते हैं आप, हमारी आलू की सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। अब गैस का फ्लेम हम बंद कर लेंगे और इसे सर्व कर लेंगे। इसे आप पूरी, पराठे या रोटी के साथ खा सकते हैं। एक बार ज़रूर इस रेसिपी को आप ट्राई करिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो कैसी लगी ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।